What's up everyone? Welcome back to the channel. अब आज से हम लोग अपना अकाउंटेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप. तो आज पार्टनरशिप क्या होता है, कौन कौन से अकाउंट्स हमें इसके अंदर सीखने हैं, क्या क्या बेसिक्स हैं, अकाउंटिंग को एक एक चीज़ वन बाय वन समझ के चलेंगे. आप लोगों ने नोटबुक बनाई ली होगी एक सेपरेट यूट्यूब के लिए, वो कॉपी लेके आओ, पेन लेके आओ और चालू करने जाएंगे हम पार्टनरशिप और एक एक चीज़ फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, फ्रॉम द वेरी बेसिक सीखेंगे और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. चलिए लेट्स बिगिन. चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक्स के साथ और पहले कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं द फंडामेंटल्स. बेटा जी सबसे ज़्यादा समय आपको फंडामेंटल्स पे ही लगाना है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपका बेस बनने वाला है आने वाले सभी चैप्टर्स के लिए. जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे पार्टनरशिप में देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स, सबका बेस यही होने वाला है. ठीक है, तो किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग होती है और उसके क्या बेसिक्स हैं, वो सब बेसिक्स के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले आपने क्लास 11th में क्या पढ़ा, क्लास 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता था, जहाँ पे सोल का मतलब सिंगल होता था और प्रोप्राइटरशिप का मतलब एक ओनर जो एक बिजनेस चला रहा है. तो प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर होता है. तो एक ऐसा बिजनेस कंसर्न जिसमें एक अकेला ओनर होता था उसको आप सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते थे. अब जब वो अकेला होता था तो अकेला ही कैपिटल लगाता था, अकेला ही सब बिजनेस मैनेज करता था, अकेला ही रिस्क बेयर करता था, उसकी ग्रोथ वगैरह सब उस तक ही रिस्ट्रिक्टेड होती थी. बट जब आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हो, जब आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो आपको ये रियलाइजेशन होता है कि एक अकेला पार्टनर सब कुछ नहीं कर सकता. एक अकेला इंसान कितना ही कैपेबल क्यों ना हो, सारी स्किल्स उसमें नहीं हो सकती. एक अकेला इंसान कितना ही रिच क्यों ना हो, वो अकेला सारा पैसा एक बिजनेस में नहीं लगाएगा. बिजनेस को ग्रो करने के लिए यू नीड मैन पावर. आपको स्किल्स चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, आपको रिसर्च के लिए लोग चाहिए, आपको मैनेजरियल एबिलिटीज चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए. तो बिजनेस को बड़ा करने के लिए यू नीड मोर पीपल. तो सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ लिमिटेशंस होते थे कि कम कैपिटल, कम स्किल, लिमिटेड रिस्क, लिमिटेड ग्रोथ. इन सब लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ही कौन सा बिजनेस आया, पार्टनरशिप बिजनेस आया. अब पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होगा, एक से ज़्यादा लोग आएंगे, मिलके बिजनेस करेंगे, मिलके डिसीजंस लेंगे, मिलके पैसा लगाएंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे. इसी को तो हम पार्टनरशिप बोलते हैं, राइट. तो क्या आता है हमारे पास, अब नेक्स्ट आता है कि हमारे पास पार्टनरशिप होता क्या है. तो आपको ये याद करना है, सेक्शन 4 ये लर्न करना है बेटा जी. सेक्शन 4 याद रखेंगे किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें क्या डिफाइन करता है, पार्टनरशिप है क्या. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन persons. Persons का मतलब मिनिमम 2, मैक्सिमम अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को आगे. कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एग्री करेंगे कि हम मिलके बिजनेस करेंगे, मिलके व्यापार करेंगे और हम प्रॉफिट्स और लॉस बांटने वाले हैं. एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलके बिजनेस कर रहे होंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल एक चिंटू है, एक चिंटी है, ये दोनों आए, ठीक है, चिंटू है और चिंटी है, ये दो लोग हैं, एक चिंटू एक चिंटी, ये दोनों आए, दोनों ने बिजनेस चालू करा. अब अगर एक दिन चिंटू छुट्टी पे है, चिंटू एक दिन बिजनेस में नहीं आया, इसने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई विल नॉट कम, चिंटी ने पीछे से कुछ डिसीजंस लिए, उन सभी डिसीजंस के लिए चिंटू भी बाउंड होगा. समझ रहे हो, यानी चिंटू के हर एक डिसीजन के लिए चिंटी बाउंड है, चिंटी के हर एक डिसीजन के लिए चिंटू बाउंड है, ये दोनों एक दूसरे के डिसीजन के लिए बाउंड है. चाहे बिजनेस सभी चला रहे हो या फिर एनी वन ऑफ देम कोई एक चला रहा हो, इट विल एक्ट फॉर ऑल. सभी के लिए वो बाइंडिंग होगा, सभी के लिए वो लायबल होगा. समझे, तो बिजनेस में अगर 50 लोग हैं और 10 लोग नहीं आ रहे तो बाकी जो 40 करेंगे वो उन 10 को भी बाउंड करता है. ये बात ध्यान करके चलना, ठीक है. अब पार्टनर कौन हो सकता है, पार्टनर कौन होगा, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कौन हो सकता है, तो हम बोलेंगे कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट 3 लोग नहीं हो सकते. कौन कौन, एक तो माइनर नहीं होगा,
यानी हमारे इंडिया के रूल्स के हिसाब से 18 साल से कम उम्र का बच्चा पार्टनर नहीं हो सकता। स्टिल अगर वो पार्टनर बन रहा है तो वो पार्टनर होगा सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए, यानी वो पार्टनर इन प्रॉफिट्स होगा ओनली, वो पार्टनर इन लॉसेस नहीं होगा। वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ तभी के लिए पार्टनर है अगर आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो तो वो पार्टनर नहीं होगा। दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड अब आप समझ सकते हो जो इस कंडीशन में नहीं है कि वो डिसीजंस ले पाए, उसका माइंड थोड़ा सा अनसाउंड है, ये चीज़ याद रखना। तीसरा, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ कौन है? जो कानून बोलता है कि ये लोग ठीक नहीं है, जैसे कोई इंसॉल्वेंट है, कोई एलियन एनिमी है। एलियन एनिमी का मतलब होता है हमारा किसी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, अब उसको तुम अपने साथ पार्टनर थोड़ी ना बनाओगे बिजनेस में, तो वो हमारे लिए एलियन एनिमी है, हम उसको अपना पार्टनर नहीं बनाएंगे। तो ये थ्योरी में ज़रूर पूछ सकता है कि कौन पार्टनर नहीं हो सकता, माइनर, अनसाउंड माइंड और एनी पर्सन हु इज़ डिसक्वालिफाइड बाय द लॉ। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज सावधान इंडिया सवाल। मैं जब भी सावधान इंडिया बोलूँगा आपको पता है व्हाट आई मीन। सावधान इंडिया मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं? तो याद रखना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कोई भी नंबर गिवन नहीं है, कोई भी नंबर गिवन ही नहीं है। मतलब पार्टनरशिप एक्ट में लिखा ही नहीं हुआ कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। मिनिमम तो दो हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो डिफाइंड ही नहीं है। तो अब क्या करा गया, गवर्नमेंट ने एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलिनियस रूल्स 2014 के रूल्स के अनुसार, ये भी आपको याद रखना है कि एज पर द गवर्नमेंट द कंपनी मिसलिनियस रूल्स, कंपनी ने बोला, सॉरी गवर्नमेंट ने बोला कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो होंगे 50। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 2 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। तो पार्टनरशिप में 2 से लेके 50 लोग तक हो सकते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। बात समझे? जरूर सवाल यहाँ से बनेगा। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है सर व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड। एक पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो देखो जब पार्टनरशिप बनेगी, दो या दो से ज्यादा लोग आएंगे, चिंटू चिंटी बंटी बंटी पिंटी चिंटी बंटी जो भी है सब आ गए, वो सब ने मिलकर बिजनेस कर लिया। अब बिजनेस करा तो प्रॉफिट्स और लॉस बांटना पड़ेगा। जहाँ भी लोग होंगे अलग अलग सोच होगी, अलग अलग दिमाग होंगे, अलग अलग तरीके से बात करेंगे, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो लड़ाई झगड़ा ना हो तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक जगह लिख लेते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर सभी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप लिखी हों, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। What is a partnership deed? Any agreement stating the terms and conditions of a partnership. उसको क्या बोलेंगे? Partnership deed बोलेंगे, ठीक है? अब partnership deed में इसका दूसरा नाम क्या होता है? Also known as, ये important है, अपने पास लिख लेना। Also known as articles of partnership. इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है? जिसके अंदर सारे के सारे रूल्स दिए हुए होंगे पार्टनरशिप के, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन जो जरूर आपसे पूछ सकता है, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। व्हाट इफ पार्टनरशिप डीड ना हो, क्या रूल चलेंगे अगर पार्टनरशिप डीड ना हो? व्हाट आर द रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? अगर डीड हुआ ही ना तो फिर क्या होगा? तो सबसे पहला रूल लिखेंगे बेटा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। नंबर टू क्या आता है? नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनर्स से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट दिया जाता है वो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो ड्रॉइंग्स पे उनसे इंटरेस्ट लिया जाता है वो भी हम नहीं लेंगे। अगर लेना है तो डीड में लिखो, अगर डीड नहीं बनाई, एग्रीमेंट नहीं बनाया तो ये रूल्स चलेंगे, ये बेसिक रूल्स हैं, ठीक है? नंबर थ्री, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस
टू बी शेयर्ड इक्वली, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ना किसी को कम मिलेगा ना किसी को ज़्यादा मिलेगा. किसी ने ज़्यादा पैसा लगाया है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ने कम पैसा लगाया है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता. प्रॉफिट्स और लॉस बराबर बराबर बटेंगे. अगर तुम्हें कम ज़्यादा चाहिए तो डीड बना लो भाई, डीड नहीं बनाओगे तो बराबर बटेंगे. नंबर फोर, नो सैलरी बोनस कमीशन टू एनी पार्टनर. किसी भी पार्टनर को कोई भी एक्स्ट्रा सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा. इसको हम रेम्यूनरेशन भी बोलते हैं, रेम्यूनरेशन. तो किसी भी तरीके का, जैसे कई पार्टनर्स कई बार ओवर टाइम करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम करते हैं, तो बोलते हैं हमें एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, एक्स्ट्रा बोनस चाहिए, कमीशन चाहिए. तो या तो डीड में लिखो, डीड नहीं है तो कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन, नथिंग, राइट. लास्ट, अगर फर्म ने बेटा जी कोई लोन लिया है, इफ द फर्म हैज टेकन एनी लोन फ्रॉम द पार्टनर, तो उस पार्टनर को फर्म जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी, इट विल बी पेड एट 6% पर एनम. ये याद रखना बेटा, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में रूल नहीं चलता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में रूल नहीं चलता, वो होंगे ही नहीं, 0% होगा. लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है, फर्म को पे करना है, डीड अगर नहीं है, तो 6% के हिसाब से फर्म पे करेगी. दीज आर द रूल्स जो चलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं. चलिए जी, अब हम चलते हैं, हमें कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे सीखने हैं, ठीक है. अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, हमें कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे बनाने हैं. नंबर वन, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कौन सा अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले? P&L एप्रोप्रिएशन. नंबर टू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. ये कैसे कैसे होगा मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा वन ऑन वन. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके दो पार्ट्स होंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है. तीसरा इज पार्टनर्स लोन अकाउंट. पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर फर्म ने लोन लिया है तो पे करना है ना, उसके लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट हमें ज़रूरत पड़ती है, वो आपको आना चाहिए. इसके अलावा कुछ छोटे छोटे अकाउंट हो रहे हैं, जैसे रेंट पेबल अकाउंट, इस तरीके के कुछ अकाउंट्स छोटे छोटे हो रहे हैं जो हम सीखेंगे, वो आगे आ जाएंगे. मेनली हमें यही सीखने हैं, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन अकाउंट. ये मेन अकाउंटिंग है जो आपको यहाँ पे सीखनी है, राइट. बैलेंस शीट हम फर्दर सीखेंगे बनानी, बट पहले ये चलता है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कौन कौन से हमें अकाउंट्स बनाने हैं. अब देखो बेटा जी, पार्टनरशिप भी क्या फॉलो करती है, पार्टनरशिप ऑल्सो फॉलोज डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम समझते हो, वही बेसिकली, एक डेबिट एक क्रेडिट, सारे रूल्स हैं बेसिक, वो ही फॉलो करी आती है पार्टनरशिप के द्वारा भी. पार्टनरशिप भी वही फॉलो करके चलती है. अब किसी भी पार्टनरशिप में, जब भी मैं पार्टनरशिप की बात करूँगा, तो पार्टनरशिप भी उसी तरीके से अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेगी जैसे कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कैलकुलेट करती है. यानी सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा. अब जो आप नया सीखोगे बेटा, यहां तक आप सीख चुके हो, आपने ट्रेडिंग बनाया, आपने P&L बनाया, P&L बना के क्या आपके पास एक प्रॉफिट या लॉस आ गया? क्लास 11 में बात यहीं खत्म हो जाती थी. क्यों खत्म हो जाती थी? क्योंकि इस सिनेरियो में हमें प्रॉफिट्स को फर्दर नहीं बांटना होता था, एक ही पार्टनर होता था, मतलब एक ही ओनर होता था, बस वही पैसा घर ले जाता था. यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा जी, यहाँ पे देर आर मल्टीपल पीपल जो बिजनेस मिलजुल के कर रहे हैं. अगर वो मिलजुल के कर रहे हैं, क्या उनको आपस में प्रॉफिट बांटना पड़ेगा?
डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनता है उसको हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट करने के लिए, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनता है उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन या P&L डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बोलते हैं, राइट। अब ये जो अकाउंट है ये क्या है? दिस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन है? P&L अकाउंट का। P&L से एक स्टेप आगे है या नहीं है, मतलब इसी को तो आगे बढ़ाया, प्रॉफिट्स तो यही पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, प्रॉफिट्स बांटने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, याद रखना, इट इज एन एक्सटेंशन टू P&L अकाउंट। इसका नेचर क्या है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि यहाँ पे भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सभी एक्सपेंसेस लॉस डेबिट किए जाएंगे, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट करे जाएंगे। तो ये इस तरीके से बनाया जाता है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, आओ फॉर्मेट बना के चलते हैं, सीखते हैं। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका क्या फॉर्मेट है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है, राइट। अब देखो, अगर आपने P&L बनाया होगा तो आप P&L सपोज इसके ऊपर आप बना के आए हो, तो P&L में याद करो क्या यहाँ पे सबसे पहले GP आता है, जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट नीचे ब्रॉड डाउन करा होगा ट्रेडिंग अकाउंट से। फिर आप यहाँ पे क्या लिखते थे? डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या लिखते थे? सारी इनकम्स लिखते थे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू आ जाती थी जिसको आप नेट प्रॉफिट बोलते थे, है ना। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बोलते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, जैसे आपने 11th में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो ये जो नेट प्रॉफिट आ गया ना बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता था, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर होता था तो वो प्रॉफिट को बस घर ले जाता था। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अभी यहाँ पे क्या होने वाला है? ये प्रॉफिट को बांटना है, तो इसको बांटने के लिए अकाउंट बनाया है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? यहाँ पे लिखता हूँ मैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब हमारे पास ये प्रॉफिट इधर आ जाएगा बस, बाय P&L अकाउंट। ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया, यही वाला। कौन सा वाला? ये वाला प्रॉफिट। ये बस इधर ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, ये इधर ट्रांसफर हो गया। तभी तो बोलते हैं इट इज एन एक्सटेंशन टू P&L अकाउंट। P&L का ये एक एक्सटेंशन है, आ गया जी। अब आप सोचो जरा, फर्म के पास फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर की फर्म है, ए बी और सी की फर्म है, जो कि इक्वल पार्टनर्स हैं। इक्वल का मतलब सब कुछ बराबर बराबर बांटते हैं, 1:1:1। 1:1:1 का मतलब समझते हो? कैसे लिखते हैं? ए को मिलेगा 1/3 इसका टोटल, 3 में से 1। बी को मिलेगा ये वाला 1/3। सी को क्या मिलेगा? 1/3, 3 में से 1 सी का, 1 बी का, 1 ए का। तो ये हमारे रेशो है, रेशो को ऐसे लिखा जाता है, 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉफिट 100,000 रुपए का हुआ, इस प्रॉफिट में से इन सब की चीजें बांटी जाएंगी। ए बी सी ने बोला कि हमने क्योंकि बिजनेस में कैपिटल लगाया हुआ है तो हमें इंटरेस्ट चाहिए, तो फर्म क्या करेगी? इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी फर्म, है ना। किसी पार्टनर ने बोला कि भैया मैंने एक्स्ट्रा काम किया था, मुझे तो एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, तो इसमें से फर्म सैलरी पे करेगी। ये सब पार्टनर को मिल रहा है बेटा, किसी बाहर वाले को नहीं, सब पार्टनर्स को मिल रहा है। पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर को ही सैलरी मिलेगी, इन्हीं ABC को, ठीक है। अगर इनमें से कोई कमीशन मांग ले, कोई बोनस मांग ले, तो वो मिल जाएगा। थोड़ा सा फर्म पैसा फ्यूचर के लिए भी जोड़ लेगी, फ्यूचर के लिए सेव करेगी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रिजर्व, कि थोड़ा सा रिजर्व बना लो भाई, प्रॉफिट होगा तभी तो रिजर्व बनेगा, है ना। फिर जो भी बचेगा वो प्रॉफिट्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो सपोज करो 100,000 में से 10,000 IOC दे दिया, 10,000 की सैलरी दे दी, 20,000 का कमीशन बोनस दे दिया, 30,000 का रिजर्व बना लिया, तो 30, 50, 60, 70 कितना प्रॉफिट बचा? 30 बचा। 30 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में सर? इस रेशो में, 1:1:1।
समझे। तो ये सारी चीज़ें IOC, सैलरी, कमीशन, बोनस, रिजर्व, ये सब किसको मिल रहा है सर? देखो रिजर्व तो फर्म बना के रखेगी, बाकी सब पार्टनर को मिल रहा है रिजर्व को छोड़ के। रिजर्व तो फर्म अपने पास बना के रखेगी फ्यूचर के लिए। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, सभी खर्चे और लॉसेस को डेबिट करना है। तो हम जितनी भी चीज़ें फर्म पे करेगी अपने पास से, जहाँ भी फर्म के पास से पैसा जाएगा सब डेबिट किया जाएगा। क्या क्या डेबिट होगा? टू IOC, IOC का मतलब है बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का, बी का और सी का, इन तीनों का जितना भी है वो यहाँ आ जाएगा। उसके अलावा अगर कोई सैलरी, बोनस, कमीशन है, मैं फुल फॉर्म्स में नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लेना सैलरी, बोनस, कमीशन, किसी पार्टनर का कोई सैलरी, बोनस, कमीशन, तो वो आप लिख दोगे। उसके बाद अगर फर्म ने कोई रिजर्व बनाया तो वो इधर आ जाएगा, है ना। अब बच्चों अगर पैसा फर्म में पार्टनर ने लगाया है तो पार्टनर उस पर IOC मांग रहा है फर्म से, फर्म पे करेगा। सिमिलरली अगर पार्टनर निकालता है तो फर्म बोलती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप पे करो, तो फर्म को IOD मिलता है। IOD इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अगर ए, बी या सी विड्रॉ करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, पैसा उनको मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। बस अब आपको इधर का सम करना है, इधर का टोटल करना, और इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग, जो भी बचेगा उसको हम क्या बोल देंगे? टू प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है ये? डिविजिबल प्रॉफिट, पूरा लिख देता हूँ, टू डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जो ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ ही ना, इफ देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो फिर इक्वल, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है तो फिर बराबर बराबर, ठीक है, ओके। तो ये देखो ये इसका नेचर है, इस सब इन सारी चीज़ों में फर्म की जेब से पैसा गया है और इसमें फर्म की जेब में पैसा आया है, भैया प्रॉफिट आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, ये दोनों फर्म के लिए प्लस वाली आइटम्स हैं, ये सब फर्म के लिए माइनस वाली आइटम्स हैं, लास्ट में जो बचेगा वो प्रॉफिट है, सही हो गया। तो दिस इज हाउ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। P&L अप्रोप्रिएशन का यही फॉर्मेट है। अब अप्रोप्रिएशन में ना आप मल्टीपल आइटम्स देख रहे हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सर ये कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर ये कैसे कैलकुलेट होगा, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो हम अगली क्लास में ये सब सीखने वाले हैं कि IOD कैसे निकलता है, IOC कैसे निकलता है, सैलरी, बोनस, कमीशन कैसे निकलता है, अगली क्लास में ये सीखेंगे। वंस वी आर डन विद दिस कॉन्सेप्ट फिर हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाना चालू करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्टिंग की तीन क्लासेज हमारी इसी पे रहने वाली है। आज मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल समझाए, फॉर्मेट समझाया, कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं वो समझाया, पार्टनरशिप की आगे थ्योरी है वो समझाई। कल वाली क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम IOC, सैलरी, बोनस, कमीशन, IOD के बारे में सीखने वाले हैं, ये सब हम डिटेल में सीखेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, देन हम P&L अप्रोप्रिएशन के जनरल क्वेश्चन करेंगे कि P&L अप्रोप्रिएशन बनता कैसे, उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट्स की तरफ चलेंगे। तो दिस चैप्टर विल गोना टेक समवेयर अराउंड 10 to 15 क्लासेस, 10 से 15 क्लासेस में, 10 से 15 लेक्चर्स में पूरा डिटेल में आपका हो जाएगा और आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। पार्टनरशिप में हम लगभग 2 महीना लगाएंगे, पूरी पार्टनरशिप विल टेक 2 मंथ्स, 1 month फॉर कंपनीज, 1 month फॉर एनालिसिस। जो ICSE बोर्ड है, स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको भी यही वीडियो सेम चलेंगी। दिस इज फॉर ऑल द बोर्ड, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, सब में यही सेम है। जो ICSE और अदर बोर्ड्स में अदर टॉपिक्स हैं वो भी हम सब कवर करने वाले हैं ICSE के सिलेबस के साथ, स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस के साथ। आई विल बी कमिंग विद फ्रेश वीडियोस, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। ऑलराइट, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आप कौन कौन से बोर्ड्स में हो। ICSE है तो ICSE लिख देना, स्टेट बोर्ड्स में कौन सा है आपका, कौन सा वाला बोर्ड है आपका, बिहार बोर्ड है आपका, महाराष्ट्र बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है आपका, राजस्थान है, सब मेंशन कर देना, सो दैट मैं उस पर अच्छे से काम कर पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छी लगे, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बताना, आपस में डिस्कस करना, हम लोग एक अच्छी कम्युनिटी बनाएंगे और मिलजुल के पूरे साल बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़।